अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मनोरमा जी, आप तो हम सबसे सिर्फ काशी छुड़वाने की बात कर सकते हैं, पर अगर आपको शिव शक्ति से मिलना है ना, तो आपको तो ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मेरे हृदय को पूरा भाया कि शिव शक्ति का हो गया राम नाम सत्य। क्या हुआ, इतना डर क्यों रही हो? तुम ऑलरेडी एक बच्चे की जान बचा चुकी हो उसके गले में कट लगाकर। ये तो छोटा सा जख्म है, और फिलहाल मैं तुम्हारा पति नहीं, पेशेंट हूं। हे भोलेनाथ, हमारी शक्ति कम, हमारे पति कम, हमारे पेशेंट, उन्हें स्टिचेस देने में हमारी मदद कीजिएगा। इतने छोटे से काम के लिए भोलेनाथ को क्यों टेंशन दे रहे हो? मैंने कहा ना, छोटा सा जख्म है, गोली छूकर निकल गई थी, इन्फेक्शन भी नहीं हुआ है और गन पाउडर के पार्टिकल्स भी नहीं है। चलो करो। डॉक्टर्स ना अपने पेशेंट्स को कहानी सुनाते हैं ताकि वो डरे नहीं, डिस्ट्रैक्ट ना हो, और यहां देखिए पेशेंट ही डॉक्टर को कहानी सुना रहा है। वैसे डॉक्टर शिव, उस रात हुआ क्या था? उस रात मैं मां के कमरे में गया था। अब मंदिरा चाची का झूठ मेरे सामने आ चुका है। मेरे आंखों पर जो पर्दा था ना मां, वो अब उठ चुका है। मुझे सब कुछ पता चल चुका है मां, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। आई एम सॉरी कि मैंने आपसे ये बात पहले नहीं की। आई एम सॉरी कि मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। एक मां अपने बेटे का बुरा थोड़ी चाह सकती है। एक माँ तो अपने बच्चों के लिए दुआ मांगती कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहे, सलामत रहे, और आप चुपचाप बस वही करती रह गई। I'm sorry माँ कि आपका बेटा होकर मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। I'm sorry माँ कि आपकी आंखों में जो दर्द मुझे दिखना चाहिए था वो मैं नहीं देख पाया। I'm sorry माँ कि मैं अपने ही दुख में इतना खो गया कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं जानता हूं कि आपने गौरी को नहीं मारा, ना गलती से और ना ही जानबूझकर। आप ऐसा कर ही नहीं सकती। ये जिसने किया है उसे उसकी सजा मिलकर रहेगी। मैं बस चाहता हूं कि आप मुझे माफ कर दो। आपसे दूर रहने के लिए आई एम वेरी सॉरी माँ। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, इसलिए आई एम वेरी सॉरी माँ। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। माफ तो कर देंगे ना आप मुझे? मां,
कीर्ति मंदिरा ने ये घिनौना काम किया है। इतना घिनौना काम और कोई नहीं कर सकता, और इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे उसके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। पर डॉक्टर शिव कैसे? हमें मंदिरा चाची के खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे, और उसका पहला कदम है माँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लेकिन माँ जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो घर आई नहीं है, कहीं ये भी मंदिरा का प्लान तो नहीं है? हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि चाची को पता चल जाए कि ये हमारे प्लान का पहला कदम है, हमें कैसे भी करके उस रिपोर्ट को हासिल करना होगा। यही मिशन मंदिरा का पहला कदम है। चलो। कहाँ? जहाँ सच की तलाश शुरू हो गई। इसमें क्या प्रॉब्लम है? और हम गायत्री कश्यप की बहू हैं। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, प्लीज आप परमिशन दे दीजिए। देखिए मैडम, हम आपसे फिर से कह रहे हैं, सरकारी काम इतने सिंपल नहीं होते हैं। उसके लिए आपको नोटराइज्ड एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वकील बुलाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं हो सकता। हमारे पास इतना टाइम नहीं है इंस्पेक्टर साहब, हमें आज के आज ही वो रिपोर्ट चाहिए, प्लीज बहुत अर्जेंट है। अर्जेंट है तो अर्जेंटली ये सारी कार्रवाई करके आइए, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जाइए आप यहाँ से। जैन सर, सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया, घर में एक इमरजेंसी हो गई थी सर। ठीक है, अब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे लेकर आए? किसी को खबर की या किसी को फोन किया तो मंदिरा चाची तक की खबर तो पहुंची जाएगी। जो चाहिए उसमें हम आपकी मदद कर देंगे। आप कौन? आप एक बार इनसे बात कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन। हेलो बेटा, हम किसी से तुम्हारी बात करवा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी। हाँ ये लो। कैसे हो बेटा? अब कैसा है वो? हॉस्पिटल में सारे फॉलोइंग प्रोसीजर्स कर दिए थे ना? जी आपने बचा लिया, आपकी मेहनत और भगवान भोलेनाथ की कृपा से मेरा बच्चा बच गया। आपने तो उसे जिंदगी दे दी, फिर मैं आपके लिए एक रिपोर्ट तो ला ही सकता हूँ। थोड़ा कठिन है लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपकी माँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थोड़ी देर में आप तक पहुँचा दूंगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।